हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। देखो इसमें रूट में है इक्वेशन, देखो ये रूट टू है, फिर एक्स है, प्लस रूट थ्री है, फिर है वाई इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर क्या है आपके पास, रूट में थ्री एक्स माइनस, ये माइनस है यहाँ पर, माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये है इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें देखो इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन और इसको सेकंड मान लो। देखो एक तो रूट देखकर घबराया मत करो, ठीक है, बच्चे पहले ही घबरा देते हैं रूट देख के। रूट्स वाले बहुत ईजी होते हैं, देखो ज़रा समझो इस चीज़ को। देखो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट, देखो ये रूट टू एक्स है, रूट में टू एक्स प्लस में रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, देखो क्या होगा, रूट में ये टू एक्स आ गया, इक्वल टू में ये रूट थ्री वाई इधर जाएगा तो माइनस का रूट थ्री वाई हो जाएगा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो आपके पास माइनस का रूट थ्री और अपॉन में ये रूट टू आ जाएगा, समझ रहे हो, और ये वाई आ गया इधर। क्लियर, इसको इक्वेशन को मानेंगे हम थर्ड। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करना है हमें बताओ जरा, पुट थर्ड इन किस में, सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट से वैल्यू निकालिए तो वैल्यू कहाँ पुट होगी, थर्ड वाली सेकंड में पुट होगी। तो देख लो रूट में थ्री और एक्स की वैल्यू है ये, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखते हैं हम, माइनस का रूट थ्री अपॉन में रूट टू और ये वाई, समझ रहे हो ना, ये इक्वेशन थी रूट थ्री एक्स, एक्स की वैल्यू ये थी, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। फिर है माइनस का रूट एट वाई इक्वल टू में ज़ीरो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ ज़रा। अब देखो क्या करना है आपने, देखो रूट थ्री इंटू में रूट थ्री, रूट थ्री इंटू में रूट थ्री क्या होता है, रूट थ्री का स्क्वायर और स्क्वायर से ये कैंसिल तो थ्री बचा। और वैसे भी सेम वैल्यू हो जाती है रूट में, वो क्या हो जाती है, वही वैल्यू हो जाती है, बस रूट हट जाता है। जैसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री है, सेम वैल्यू है, तो बस रूट हट जाएगा और थ्री आ जाएगा। और ये क्यों आता है ये मैंने आपको बता दिया, रूट थ्री का दो बार वैल्यू है तो स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयर से रूट कैंसिल और थ्री आ जाता है। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी था यहाँ, तो माइनस का थ्री अपॉन में ये आ गया रूट टू नीचे और ये रहा वाई, माइनस का ये है रूट एट वाई इक्वल टू में ज़ीरो। बहुत सिंपल है, देखते जाओ ज़रा। अब देखो इधर वन है मान लो, ठीक है, इसका लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो रूट टू एलसीएम आएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो वन, वन इंटू माइनस थ्री, माइनस का थ्री और वाई, माइनस वन और रूट टू को डिवाइड करो, रूट टू ही आएगा, ये तो सिंपल सही है, वन को रूट टू से डिवाइड करो। ठीक है, तो रूट टू और रूट टू को एट, रूट एट से मल्टीप्लाई करो, रूट टू को रूट एट से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये रूट का सिक्सटीन, एट टू द सिक्सटीन ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं डायरेक्ट, एट टू द सिक्सटीन। और रूट सिक्सटीन कितना होता है बताओ ज़रा, फोर होता है, क्योंकि फोर फोर द सिक्सटीन होता है अगर देखो आप, तो फोर का स्क्वेयर और स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल फोर। ठीक है, ये जैसे रूट थ्री था, इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है आपके पास बताओ ज़रा, नाइन हो जाएगा ना, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो इसको आप रूट नाइन लिख सकते हो। ठीक है, और रूट नाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं थ्री का स्क्वेयर और ये कैंसिल, इस तरीके से भी आप समझ सकते थे अगर ये मल्टीप्लाई वाला ये ऊपर सोचना है। ठीक है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये रूट में जो वैल्यूज होती हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो टू एट दस सिक्सटीन, और सिक्सटीन की क्या होता है फोर का स्क्वेयर, तो फोर का स्क्वेयर है, स्क्वेयर से ये रूट कट गया तो फोर ही आ गया। और वैसे भी आपको पता ही होगा, ये तो छोटे होते हुए भी पता ही आपको कि रूट सिक्सटीन क्या होता है, फोर के इक्वल होता है, तो ये फोर आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फोर वाई इक्वल टू में ज़ीरो। क्लियर, तो अब देखो ज़रा यहाँ कितना आ गया, ये माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई माइनस का सेवन वाई, समझ रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस, तो फोर थ्री सेवन वाई होता है, और साइन विच इज़ ग्रेटर वाला कंसेप्ट क्या है, फोर बड़ा है तो माइनस आ गया। ठीक है, और वैसे भी इसमें तो दोनों में ही माइनस था। क्लियर, रूट टू इंटू ज़ीरो कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, रूट टू को ज़ीरो से, क्योंकि इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, रूट टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया। तो वाई कितना आएगा आपके पास, देखो ज़ीरो अपॉन में माइनस वन, माइनस सेवन, ज़ीरो अपॉन में क्या आ रहा है, माइनस सेवन, और वाई कितना आ गया, मतलब ये ज़ीरो ही आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है। इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, थर्ड में पुट करो ज़रा। देखो एक्स इक्वल टू में है आपके पास माइनस का रूट थ्री अपॉन में रूट टू और साथ में है वाई, और वाई की वैल्यू है ज़ीरो, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ को तो क्या आ जाना है, ज़ीरो ही आ जाना है, तो मतलब एक्स भी ज़ीरो आ गया, तो एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है। तो समझ रहे हो, रूट वाले बड़े सिंपल होते हैं, बस ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए रूट में, बाकी तो कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है इन क्वेश्चन से। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है, आया समझ में। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट फिर क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।